सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलने आ रही है कि यूजीसी और अशोक भूषण ने फाइनल सबमिशन कर दिया है। उन्होंने कौन कौन से दो फाइनल वैलिड पॉइंट्स रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यूजीसी ने कहा है कि हम फाइनल ईयर के एग्जाम कराएंगे, क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट विदेश पढ़ने जाता है तो उसे कोई ये ना कह सके कि कोविड-19 के कारण पास होके आया है। उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया है कि बच्चे फाइनल ईयर में ही ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बना सके। यदि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा तो ये उनके साथ खिलवाड़ होगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तीसरा पॉइंट यूजीसी ने रखा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना यूजीसी का ही काम है, उसमें यूजीसी ही सर्वोच्च होती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको बता देते हैं कि अशोक भूषण ने क्या क्या वैलिड पॉइंट्स रखे हैं। उन्होंने पहला पॉइंट रखा है कि जो बच्चे पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आखिर यूजीसी कब तक एग्ज़ाम करा पाएगी, कब स्टूडेंट्स को डिग्री मिल पाएगी। उन्होंने दूसरा पॉइंट रखा है कि जो बच्चे गरीब है, वो जिनके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है, वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। उन्होंने तीसरा पॉइंट रखा है कि बच्चे खुद चाहते हैं कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, उन्हें आगे की तैयारी भी करनी है और बढ़िया कॉलेजों में एडमिशन भी लेना है। अब इंतज़ार है तो सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले का, क्योंकि अब सुनवाई तो हो चुकी है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।